हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। आज स्टूडेंट्स ओपन के लेक्चर्स की सीरीज पर जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं, इसका नाम है कंपैरेटर सर्किट। और कंपैरेटर में आज जो हम एक स्पेशल सर्किट देखेंगे, दैट इज कॉल्ड जीरो डिटेक्टर सर्किट। तो कंपैरेटर सर्किट के एग्जाम्पल को मैं लेना स्टार्ट कर रहा हूं। आप लास्ट क्लास देख चुके हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर करेक्टरिस्टिक बताई थी, प्रैक्टिकल ओपन की भी करेक्टरिस्टिक बताई थी। तो दोनों की हेल्प से आपने देखा था कि आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या बनती है। आपने ये बात भी वाच की थी कि कंपैरेटर सर्किट का मतलब क्या था, दैट मींस मैं बेसिक ट्रेसिंग से डाटा स्टार्ट कर रहा हूं, वन बाय वन आप चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। देखें, सबसे पहले इस बात को जरा समझें, अगर कोई आइडियल ओपन है, मान लीजिए यह कोई एक आदर्श ओपन है, आदर्श ओपन का गेन मैंने आपको बताया था ए की वैल्यू यहां पर इनफाइनाइट बनेगी और इस पर दो टर्मिनल हैं स्टूडेंट्स, एक माइनस और एक प्लस। माइनस का मतलब है इन्वर्टिंग टर्मिनल, प्लस का मतलब है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसी को मैं बोलता हूं वी माइनस, इसको मैं बोलता हूं वी प्लस। यहां पर इस पॉइंट पर हम आउटपुट वोल्टेज देख रहे हैं वी नॉट, और आप जानते हैं यहां पर सप्लाई सिस्टम पर मैं इसको बोलता हूं प्लस वी सेट, पॉजिटिव का सैचुरेशन वोल्टेज, और इसको मैं बोलता हूं निगेटिव का सैचुरेशन वोल्टेज माइनस वी सेट। ये दोनों ही सप्लाई वोल्टेज हैं, ये निगेटिव की अधिकतम सप्लाई वोल्टेज है और ये पॉजिटिव का अधिकतम सप्लाई वोल्टेज है। अब यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि वी नॉट की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो आप जानते हैं इन दोनों के इनपुट के डिफरेंस वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है। जहां से आपने देखा था V नॉट प्रोपोर्शनल VID से अपने पास लॉजिक बनता था, V नॉट का मान था A टाइम्स VID। और जब मैं यहां से V नॉट की वैल्यू, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू लिखना स्टार्ट करता हूं, तो प्रैक्टिकल ऑपेम्प पर लीनियर रीजन होता है, तो वहां तो हम लोग आउटपुट इस फॉर्मूले से डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन जब जब मैंने आइडियल ऑपेम्प की बात की है स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे आप, अगर मैं बात कर रहा हूं आदर्श ऑपेम्प की, तो आदर्श ऑपेम्प में करेक्टरिस्टिक क्या बता रही है, सी दिस इज आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, और यहां स्टूडेंट्स मैंने इनपुट का डिफरेंशियल वोल्टेज वी आई डी ले रखा है। आप रिकॉल करो, जब आपने देखा था कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं आउटपुट वोल्टेज वी नॉट और वी आई डी के बीच में करेक्टरिस्टिक की, अगर मैं इस करेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं, तो इस करेक्टरिस्टिक को ही हम बोलते हैं ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक। आउटपुट वोल्टेज और इनपुट डिफरेंस वोल्टेज के बीच की करेक्टरिस्टिक को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक। अब इस ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब गेन ही अनंत हो गया, अगर गेन अनंत है स्टूडेंट्स, तो यहां वैल्यू इन्फाइनाइट है, और इन्फाइनाइट होने का मतलब मैंने आपको बताया, अगर वी नॉट की वैल्यू ए इंटू वी आई डी का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वोल्टेज। हमेशा डिफरेंस वोल्टेज में हम नॉन इन्वर्टिंग से किसको डिफरेंस कर रहे हैं, इन्वर्टिंग को। तो इसका मतलब है ए इंटू वी प्लस माइनस वी माइनस। अब जरा नोटिस करो आप, अगर मेरे पास वी प्लस और वी माइनस में वी प्लस बड़ा है वी माइनस से, तो इसका मतलब गेन इन्फाइनाइट है और इन दोनों का अंतर धनात्मक आएगा। और अगर यह कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव इन्फाइनाइट आने का मतलब आउटपुट क्या आना चाहिए, प्लस इन्फाइनाइट। लेकिन क्या स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था बायसिंग या सप्लाई वोल्टेज, ये सप्लाई वोल्टेज है, इस पर सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू प्लस वी सेट मैक्सिमम अधिकतम में पॉजिटिव जा सकती है और निगेटिव पर माइनस वी सेट अधिकतम जा सकती है। तो आप नोटिस करो, क्या ऐसा आउटपुट आ सकता है कि वो प्लस इन्फाइनाइट पहुंच जाए, इट कांट बी पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब है आउटपुट वोल्टेज प्लस वी सेट पर फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्लस वी सेट वैल्यू। और ये कब की हम बात कर रहे हैं, प्लस वी सेट का मतलब है जब मेरे पास वी प्लस किससे बड़ा है, वी माइनस। तो ये पहली कंडीशन अपने पास निकल कर आई, इफ मैं बोल सकता हूं इफ वी प्लस इज ग्रेटर देन वी माइनस, अगर वी प्लस वी माइनस से बड़ा है स्टूडेंट्स, तो यहां प्लस इन्फाइनाइट का मतलब है आउटपुट की वैल्यू वी नॉट की वैल्यू प्लस वी सेट आएगी। इसी तरह दूसरी बात आप सोचो, आप अगर ऐसा सोचें कि V नॉट का मान मैं लिखना चाहता हूं, मैं यहां दिखा रहा हूं V नॉट बराबर A इंटू वी आई डी, और वी आई डी का मतलब क्या है,
ए इंटू वी प्लस माइनस वी माइनस। V प्लस का मतलब नॉन इन्वर्टिंग, V माइनस का मतलब इन्वर्टिंग। अब जरा नोटिस करो, V प्लस और V माइनस में इस बार अगर मैं बात करूं और निगेटिव वोल्टेज ज्यादा हो पॉजिटिव टर्मिनल के वोल्टेज से, अगर नॉन इन्वर्टिंग से इन्वर्टिंग का वोल्टेज ज्यादा है तो इन दोनों का अंतर, ऐसा मान लीजिए ये 5 है और ये 10 है, तो 5 माइनस 10 का मतलब माइनस 5, और गेन हमारे पास इन्फाइनाइट है तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस इस बार ऋणात्मक होगा। और अगर ये माइनस है तो क्या स्टूडेंट्स, इसका मतलब माइनस अनंत आना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आउटपुट माइनस इन्फाइनाइट पर पहुंच जाए, और अगर आउटपुट माइनस इन्फाइनाइट पर नहीं पहुंच सकता तो आउटपुट कहां जाकर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, निगेटिव के माइनस वी सेट पर। और इसी को मैंने बोला था कि इस बार आउटपुट जो अब आपको दिखाई देगा ये माइनस वी सेट आएगा, दैट इज कॉल्ड माइनस वी सेट। तो इस बार V नॉट बराबर आंसर आएगा माइनस V सेट। तो इसका मतलब हमारे पास दो कंडीशंस हैं, V नॉट का मान माइनस V सेट कब आएगा और V नॉट का मान प्लस V सेट कब आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन मैंने आपको बताया था ये केवल और केवल गेन वाली लाइन है, और ये लाइन केवल क्या बता रही है स्टूडेंट्स कि इसमें लीनियर रीजन क्या है, अब्सेंट, क्योंकि गेन की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। तो यहां केवल और केवल दो कंडीशन निकल कर आई। पहली कंडीशन, फर्स्ट, अगर V प्लस बड़ा है V माइनस से तो V नॉट का मान आएगा प्लस V सेट। और अगर सेकंड कंडीशन की मैं बात करूं तो सेकंड मैंने बोला अगर V माइनस बड़ा है V प्लस से तो इस समय V नॉट आएगा माइनस V सेट। ये दो कंडीशंस मैंने आपको पढ़ाई थी, और इन दोनों कंडीशन को लेकर अब मुझे क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करनी है। इस बात का ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ये यहां पर आदर्श ओपेंप पर, ओपन लूप कंडीशन पर, जब तक कोई फीडबैक नहीं लगा, मैं बात कब कर रहा हूं, जब तक ये ओपन लूप है, कोई भी फीडबैक अभी हमने नहीं लगाया, तब ये क्वेश्चंस में हमेशा ये वाली जो लाइन है वो गेन इनफाइनाइट को बता रही है, और ये जो पॉइंट हमारे पास है हमेशा ओपन दो ही रीजन पर है, या तो प्लस वी सेट या तो माइनस वी सेट। लीनियर रीजन, बीच वाला जो रीजन प्रैक्टिकल में आता था, वो लीनियर रीजन यहां क्या होगा स्टूडेंट्स, अब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा। अब मैं टॉपिक में आता हूं, मैं जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर एक कंपैरेटर सर्किट ही है। क्यों हम इसको कंपैरेटर बोलते हैं, क्योंकि दो इनपुट्स की तुलना कर रहा है। आप जरा चेक करो, अगर V प्लस बड़ा होगा V माइनस से तो आउटपुट क्या आ रहा है, प्लस का V सेट, और अगर V माइनस बड़ा है V प्लस से तो आउटपुट क्या आ रहा है, माइनस V सेट। इसका मतलब दोनों ही बातें तुलना करके बता रही है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव का वोल्टेज बड़ा है, नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज बड़ा है, तो आउटपुट हमेशा प्लस वी सेट, और अगर ऋणात्मक वाला इन्वर्टिंग का वोल्टेज बड़ा है तो हमेशा आउटपुट माइनस वी सेट। केवल और केवल दो ही आउटपुट बन सकते हैं और इसके अलावा कोई आउटपुट नहीं बनेगा। चलिए, तो कंपैरेटर सर्किट में मैं स्टूडेंट्स अब आपको जिस टॉपिक को लेने जा रहा हूं, इसका नाम है जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। क्यों इसको ऐसा बोलते हैं मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया कंपैरेटर सर्किट का, एक कंपैरेटर सर्किट का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये बातें मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं, क्लियर होनी चाहिए। अब मान लीजिए यहां एक मैं डाटा ले रहा हूं स्टूडेंट्स जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के लिए, और जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के लिए ये जो डाटा मैं ले रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यहां से ऑब्जेक्टिव पर एक क्वेश्चन मस्ट है बनना। नंबर ऑफ टाइम्स अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर ओपन लूप पर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो यहीं से है, जिस पर इजी वे में हम आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं और बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं ड्यूटी साइकिल का भी यहां पर क्या कॉन्सेप्ट बनता है। एक एक करके मैं चीजें आपको समझाऊंगा, बहुत सिंपल वे में चीजों को समझना है। जैसे स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग समझते हुए आए हैं कि आदर्श ऑप एम्प पर ओपन लूप कंडीशन पर लीनियर रीजन अब्सेंट है। तो देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल पर मैंने आपसे बोला कोई मेरे पास कंपैरेटर सर्किट है और इस पर मैंने एग्जांपल ले रहा हूं जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का क्या लॉजिक है। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर एक कंपैरेटर सर्किट है जिसमें से हम दोनों इनपुट में से किसी एक इनपुट को जीरो पर फिक्स कर देते हैं। देखो कैसे, ये एक
ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिया आपने, ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर आदर्श ऑप एम्प का गेन क्या होगा, इन्फाइनाइट। आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां वी नॉट देख रहा हूं, यहां माइनस और यहां प्लस। स्टूडेंट्स, प्लस वाले का मतलब है नॉन इन्वर्टिंग, माइनस वाले का मतलब है इन्वर्टिंग। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये बातें बताई थी, माइनस और प्लस कहीं पर भी लिए जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमेशा हम नॉन इन्वर्टिंग से इन्वर्टिंग को सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो यहां पर स्टैंडर्ड्स नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि निगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक जब आगे पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड फिगर ये बनने लगता है, सो दैट्स वाई मैं पहले से इसी फिगर को लेकर चल रहा हूं। अब यहां माइनस का मतलब है इन्वर्टिंग, प्लस का मतलब है नॉन इन्वर्टिंग। आपने ध्यान से नोटिस करो, अगर इस पर एक इनपुट वोल्टेज 2 sin ωt अप्लाई कर रखा है और इस माइनस टर्मिनल पर आपने ग्राउंडिंग कर रखी है, देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस होते थे वहां ये कांस्टेंट वोल्टेज था, अब ये कांस्टेंट नहीं है, ये बार बार चेंज हो रहा है। 2 sin ωt का मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग, और ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है इसकी वैल्यू मैंने मान ली है 2 sin ωt, और एक इनपुट को क्या कर दिया है, फिक्स। यहां पर सप्लाई वोल्टेज पर मैं मान लेता हूं से दिस इज प्लस वी सेट एंड दिस इज माइनस वी सेट। आप प्लस वी सेट और माइनस वी सेट की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी मान सकते हैं। अब जरा समझें, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर की डिफिनेशन क्या है, एक ऐसा कंपैरेटर सर्किट। क्यों ये कंपैरेटर है, क्योंकि मोड कैसा है ऑप एम्प का, ओपन लूप, कोई फीडबैक नहीं है, तो पहली बात तो ओपन लूप ऑप एम्प होना चाहिए, ओपन लूप कंडीशन में ऑप एम्प है, ओपन लूप ऑप एम्प एज ए कंपैरेटर जो कि दो इनपुट्स की तुलना कर रहा है, कौन सा बड़ा है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। अगर इन दोनों में प्लस वोल्टेज ज्यादा होगा माइनस से तो आउटपुट क्या आएगा, प्लस वी सेट। माइनस का वोल्टेज ज्यादा होगा प्लस से तो आउटपुट क्या आएगा, माइनस वी सेट। तो मैं बोल सकता हूं ओपन लूप ऑप एम्प एज ए कंपैरेटर वेयर वन टर्मिनल इनपुट इच कैप्ट टू जीरो, किसी एक टर्मिनल का। मैंने यहां पर इन्वर्टिंग को जीरो किया है, हो सकता है आप नॉन इन्वर्टिंग को जीरो कर रहे होते और यहां साइनोसोइडल लगा रहे होते, दोनों भी कंडीशन हो सकती है। तो मैंने एक जो एग्जांपल लिया है उस पर मैंने इनपुट किस पर लगाया है, नॉन इन्वर्टिंग पर। इसी को कहते हैं जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। आप एग्जांपल से चीजों को समझेंगे, एक एक करके मैं स्टूडेंट्स बहुत इजी वे में इसको आपको समझा लूंगा, राइट। लेकिन एक जो पॉइंट्स मैं जो डिस्कस कर रहा हूं, जो मैंने पहले पॉइंट्स बताए हैं वो अपने दिमाग में आपको रखने हैं। जरा सोचो, अगर मैं इसका आउटपुट खींचना चाहूं तो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाने के लिए यहां स्टूडेंट्स एक 2 sin ωt का ग्राफ लिया। आप नोटिस करना, ये कोई 2 sin ωt का ग्राफ है। मैं मान लेता हूं एक साइनोसोडल जो इन बिटवीन क्या है, 2 sin ωt। बोर्ड पर यहां तक आपको विजिबिलिटी होगी। अब ये वाला जो साइनोसोडल इनपुट मैंने लिया, ये साइनोसोडल लाइक दिस ऐसे चल रहा है। इस साइनोसोडल पर स्टार्टिंग वैल्यू की मैं बात करूं तो यहां स्टार्टिंग पॉइंट जीरो होगा, से हियर दिस वैल्यू बिकम्स पाई, आर्गुमेंट मैंने ओमेगा टी लिया है, तो मैं यहां पर एंगल जो डिफाइन कर रहा हूं वो रेडियन में डिफाइन कर रहा हूं, 0π 2π 3π 4π एंड सो ऑन। 2 sin ωt का मतलब है यहां प्लस 2 वोल्ट होना मैक्सिमम वैल्यू और नेगेटिव की मैक्सिमम माइनस 2, तो यहां वैल्यू प्लस 2 है और यहां माइनस 2 है, और इसी को मैंने क्या बोला है, वी आई इनपुट वोल्टेज। इसके बाद मुझे अब चाहिए इसका आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ। अगर मुझे आउटपुट वोल्टेज चाहिए तो ये आउटपुट वोल्टेज जो हम खींच रहे हैं, राइट, ये जो हम आउटपुट वोल्टेज अब खींच रहे हैं, इसको जरा सभी लोग ध्यान से देखेंगे, आउटपुट का ग्राफ मैं स्टूडेंट्स जो आउटपुट का ग्राफ खींच रहा हूं, ये आउटपुट का ग्राफ मैं खींचूंगा, ये प्लस 2 और माइनस 2 है। मैंने मान लिया प्लस वी सेट का मतलब आपको समझाने के लिए प्लस 5, माइनस वी सेट का मतलब मैंने मान लिया माइनस 5।
आप यह भी बोल सकते हो वीसेट ही क्या है, वी डबल सी, दैट इज वीसीसी, और यहां बोल सकते हो माइनस वी डबल ई। अब जरा एक एक करके चीजों को अंडरस्टैंड करें। देखो जरा कहां कहां वैल्यू पर मेरे पास मैं नीचे पॉइंट्स बना सकता हूं। ये जीरो था, नेक्स्ट पाई के बाद फिर ये निगेटिव पर जा रहा है, तो मैंने स्टूडेंट्स एक लाइन नीचे यहां ड्रा की। ऐसे ही टू पाई के बाद भी मैंने एक लाइन नीचे ड्रा की, थ्री पाई के बाद मैंने फिर एक लाइन नीचे ड्रा की, फोर पाई के बाद मैंने फिर यहां पर इस पॉइंट पर भी एक लाइन नीचे ड्रा की, ताकि मैं ग्राफ आपको समझा पाऊं। अब जरा नोटिस करना, ये तो मैंने डिफिनेशन आपको बताई कि ओपन लूप ऑप एम्प एज ए कंपैरेटर वेयर वन टर्मिनल इनपुट इज कैप टू बी जीरो इज कॉल्ड जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। अब इस डिफिनेशन को आप प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करेंगे। देखें कैसे, यहां मेरे पास स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं इस डाटा को इरेज कर रहा हूं, यहां से हटा रहा हूं, और फिर मैं आपको एक एक करके पॉइंट्स को समझाता हूं। देखिए यहां पर अगर मैं नोटिस करूं, देखो जरा कोई भी साइनोसोइडल इनपुट है, इस साइनोसोइडल इनपुट पर स्टूडेंट्स ग्राफ में घबराना नहीं है, इजी वे में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत प्रॉपर वे में आप इसको अंडरस्टैंड करोगे, और एक बार अगर ये अंडरस्टैंड हो गया तो आपको लाइफ टाइम फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि कंपैरेटर काम कैसे करता है, इजी वे में आप अंडरस्टैंड करोगे। अगला मैं क्वेश्चन फिर चेंज भी करूंगा राइट, लेकिन पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन से मैंने स्टार्टिंग की है, और आप पहले इस बेसिक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए। चलिए मैंने क्या किया, इस पर तो एक साइनोसोइडल लगा रखा है टू साइन ओमेगा टी, और यहां इनवर्टिंग, माइनस का मतलब क्या है इनवर्टिंग, इस पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी फिक्स है स्टूडेंट्स, जीरो वोल्ट, यहां जीरो वोल्ट, यहां साइनोसोइडल पर टू साइन ओमेगा टी। चलो नोटिस करना, अगर मैं अब आपसे बोलूं, मान लीजिए मैंने आपसे बोला स्टूडेंट्स कि यहां पर यह पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा यहां निगेटिव है, नेक्स्ट फिर यहां पॉजिटिव है, यहां नेक्स्ट निगेटिव है, जरा चेक करो। जब भी मैं स्टूडेंट्स बात करूंगा VI, मैं जीरो से पाई के बीच में जब भी बात करूंगा, मैं इन बिटवीन कहां से कहां बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, जीरो से पाई के बीच में। देखो जरा अगर मेरे पास इनपुट की वैल्यू इन बिटवीन जीरो टू किसके बीच में है, पाई, तो जीरो से पाई के बीच में हमेशा इस VI का मान प्लस में होगा, बड़ा होगा, किससे, जीरो से। अगर मैं इस VI की बात करूं स्टूडेंट, VI का मान है 2 sin ओमेगा t, आप जरा चेक करो जीरो से पाई के बीच में ये वैल्यू हमेशा जीरो से ज्यादा होगी। अगर यहां वैल्यू की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, यहां पर 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे वैल्यू बढ़ रही होगी, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम प्लस 2 पर पहुंचेगी, फिर घटेगी भी, तो ये स्टूडेंट जीरो से हमेशा बड़ा होगा। अगर ये जीरो से मोर है तो जीरो से पाई के बीच में पहली कंडीशन क्या आ रही है, बहुत इजी वे में समझना, जीरो से पाई के बीच में, जीरो से पाई के बीच में वी प्लस, ये जो वी प्लस है क्या ये वी प्लस का वोल्टेज बड़ा है, वी प्लस बड़ा है वी माइनस से, क्योंकि वी प्लस का मान हमेशा धनात्मक में होगा और वी माइनस की वैल्यू फिक्स है जीरो। अगर ये जीरो फिक्स है और इससे हमेशा वी प्लस बड़ा है, तो क्या स्टूडेंट्स आउटपुट वी नॉट बराबर प्लस वी सेट आना चाहिए। मैंने आपको बताया ऑप एम एज ए कंपैरेटर काम करेगा, और कंपैरेटर का मतलब अगर आदर्श ऑप एम है तो आदर्श ऑप एम दो तरह से काम कर सकता है स्टूडेंट्स, या तो आउटपुट प्लस वी सेट पर ले जाएगा या तो माइनस वी सेट। आप खुद नोटिस करो ए बराबर इंफानाइट, अगर ओपन लूप पर आइडियल ऑप एम है तो या तो इसका आउटपुट प्लस इंफानाइट होना चाहिए, लेकिन प्लस इंफानाइट कहां पर सेट कर जाएगा, प्लस 5 पर, प्लस वी सेट पर, तो मैंने बोला V नॉट बराबर प्लस V सेट। चलो अब नोटिस करो, अगर मैं बात करूं पाई से 2 पाई के बीच में, देखिए जरा अब मैं बात कर रहा हूं इन बिटवीन पाई से 2 पाई, जब मैंने बात की पाई से 2 पाई के बीच में तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब पाई से 2 पाई के बीच में गए तो यहां तो वैल्यू माइनस में होगी, और माइनस होने का मतलब, माइनस होने का मतलब मैं स्टूडेंट्स यहां स्पेस नहीं है ऊपर लिख रहा हूं, इस बात को आप नोटिस फिर से करना, V नॉट का मतलब होता है A इंटू वी आई डी, वी आई डी का मतलब V प्लस माइनस V माइनस, पॉजिटिव पर गेन A तो इनफाइनाइट है, V प्लस का मतलब कुछ भी मान लो आप, इनके बीच में माइनस में कोई भी वैल्यू, ये माइनस का दशमलव एक, माइनस का दशमलव दो, माइनस का दशमलव तीन, माइनस दशमलव चार, माइनस दशमलव पांच छह सात, ऐसे पॉइंट्स में वैल्यू बढ़ेगी और मैक्सिमम
निगेटिव में माइनस टू हो सकती है। तो जरा चेक करो, मैंने मान लिया वी प्लस का मान पाई से टू पाई के बीच में कोई भी मिडिल वैल्यू, समझाने के लिए मैंने मान लीजिए मान लिया इसका मान माइनस एक, और अगर मैं वी माइनस की बात करूं तो क्या बताओ, वी माइनस इनवर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज हमेशा जीरो फिक्स है, माइनस एक में मैं जीरो को घटाऊं तो स्टूडेंट्स आउटपुट क्या आने वाला है, माइनस अनंत। माइनस अनंत आउटपुट आ सकता है क्या? माइनस इनफाइनाइट कभी भी आउटपुट नहीं हो सकता। माइनस इनफाइनाइट का मतलब कहां पर आउटपुट कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस वी सेट, दैट इज द पॉइंट। तो आपको इसको कहां रोक देना है, माइनस इनफाइनाइट आंसर करेक्ट नहीं होगा, इसलिए ग्राफ कहां चला जाएगा, माइनस वी सेट पर फिक्स हो जाएगा। सो दैट्स वाई अगर मैं बात करूं जीरो से पाई की, तो जीरो से पाई के बीच में मैंने मान लिया ये वाला पॉइंट ग्राफ में प्लस वी सेट है, प्लस पांच है, और ये वाला पॉइंट मैंने ग्राफ में मान लिया माइनस का वी सेट है। अब जरा नोटिस करो, पहले वाले पर जीरो से पाई के बीच में वी प्लस बड़ा है वी माइनस से, तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, प्लस का वी सेट, और प्लस वी सेट का मतलब ये हमेशा स्टूडेंट्स प्लस वी सेट पर ही रहेगा। इसके बाद जरा नोटिस करो, अब पाई से टू पाई के बीच में, पाई से टू पाई के बीच में देखो वी प्लस और वी माइनस में कौन सी वैल्यू बड़ी है, वी प्लस का मान माइनस में है और वी माइनस का मान जीरो है, तो स्टूडेंट्स क्या इन दोनों में इस बार इन दोनों का अंतर ऋणात्मक आ रहा है, और ऋणात्मक आने का मतलब वैल्यू वी माइनस की बड़ी है। तो अगर वी माइनस बड़ा हो गया वी प्लस से, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वी नॉट इस बार कहां होगा, माइनस वी सेट। तो इस समय पाई से टू पाई के बीच में हमारे पास आउटपुट कहां होने वाला है स्टूडेंट्स, माइनस वी सेट। फिर नोटिस करो अगला पॉइंट आएगा, स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स, मैं इसको फिर से ऊपर लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर चीजें दिख जाए। ये बात सभी को समझ में आ गई है क्या? अगर स्टूडेंट्स इसमें कोई डाउट हो तो मैं एक बार इस डाटा को फिर से बता देता हूं। चलो, इस डाटा को मेरा फिर से बताने का एक ही मकसद है, आपको चीजें प्रॉपर क्लियर हो। एक बार फिर से जरा समझना, मान लीजिए आप सबसे पहले जीरो से पाई के बीच में बात कर रहे हैं। देखो, जब जीरो से पाई के बीच में बात कर रहे हो तो हमेशा हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव में होगी, एग्री, और पॉजिटिव में होगी तो जीरो से पाई के बीच में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, फिर 1.1, 1.2, ऐसे ऐसे करके वैल्यू 2 तक जाएगी, फिर 2 के बाद घटेगी घटेगी घटेगी, लेकिन तब भी मान कैसा होगा, धनात्मक। तो अगर मैं बोलूं कि 0 से पाई के बीच में बात कर रहा हूं तो बताओ आउटपुट वोल्टेज बराबर ए इंटू वी आई डी का मतलब वी प्लस माइनस वी माइनस। जरा चेक करो, ए बराबर इनफाइनाइट है, वी प्लस का मान समझाने के लिए मैंने एक मान लिया, माइनस वी माइनस पर क्या है, वी माइनस का मतलब इनवर्टिंग, और इनवर्टिंग पर वैल्यू जीरो, नॉन इनवर्टिंग पर साइनोसोडल था, बार बार बदल रहा है, तो मैंने जीरो से पाई के बीच में कोई वैल्यू क्या मान ली, वन, समझाने के लिए। तो अब देखो, वन माइनस वी माइनस जीरो था, इन दोनों का अंतर धनात्मक, धनात्मक होने का मतलब प्लस अनंत आना, लेकिन क्या आउटपुट प्लस अनंत आ सकता है स्टूडेंट्स, इट कांट बी पॉसिबल। अगर ये नहीं आ सकता तो इसका मतलब आउटपुट कहां रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, प्लस वी सेट। सो दैट्स वाई मैंने जीरो से पाई के बीच में ये जो आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ खींचा है ये प्लस वी सेट पर खींचा है। इसी तरह पाई से टू पाई, पाई से टू पाई का मतलब है इस समय वैल्यू निगेटिव पर है, और निगेटिव का मतलब मैं एक बार फिर से समझाता हूं आपको, ये पॉजिटिव के लिए था, और निगेटिव के लिए मैं बोल सकता हूं, निगेटिव के लिए मैं बोल सकता हूं कि आपके पास वी नॉट का मान, देखो जरा सभी नोटिस करना है फ्रेंड्स, वी नॉट बराबर होता है ए इंटू वी आई डी, वी आई डी का मतलब ही क्या था, ए इंटू वी प्लस माइनस वी माइनस। नोटिस करो, ए का मान कितना है, अनंत, वी प्लस का मान जरा चेक करो, यही तो प्लस का वोल्टेज है नॉन टर्मिनल इन्वर्टिंग टर्मिनल का। इजी वे में देखो, क्या नॉन इन्वर्टिंग इसमें में ऋणात्मक है, ऋणात्मक में समझाने के लिए मैंने कोई वैल्यू माइनस एक मान ली। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आया, सर माइनस वन ही क्यों माना है, माइनस टू मान लो, माइनस 1.5 मान लो, कुछ भी बीच में वैल्यू मान सकते हो। मैंने मान लिया इस बार वैल्यू माइनस टू मान लो, और इन्वर्टिंग पर वोल्टेज मैंने फिर से कहा फिक्स है, कितना है, जीरो। अगर ये जीरो है स्टूडेंट्स, तो क्या इन दोनों का अंतर ऋणात्मक है, धनात्मक है। माइनस टू माइनस जीरो का मतलब है इस समय माइनस वैल्यू आना,
तो माइनस का अनंत आंसर आना। लेकिन क्या माइनस इंफाइनाइट आंसर हो सकता है? आप सोचो, अगर माइनस इंफाइनाइट आंसर नहीं हो सकता तो इसका मतलब इस समय आउटपुट कहां जाएगा? ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा माइनस का वी सेट। तो मैंने स्टूडेंट्स इस समय ग्राफ कहां बनाया? माइनस वी सेट पर, पाई से टू पाई के बीच में। मैं लिमिट लिख देता हूं, ये जीरो था, ये पाई, ये टू पाई, दिस इज थ्री पाई, दिस इज फोर पाई। तो देखो ये जीरो से पाई के बीच में मैंने ग्राफ खींचा, पाई से टू पाई के बीच में, अब मुझे जाना है टू पाई से थ्री पाई। फिर से जरा चेक करो, क्या वापस जब मैं बात करूंगा टू पाई से थ्री पाई के बीच में तो सेम मेरे पास फिर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और अगर इस समय 2 पाई से मैं बात करूं 3 पाई के बीच में तो स्टूडेंट इस समय आप फिर से नोटिस करो, क्या ये वैल्यू इस बार V प्लस की वैल्यू पॉजिटिव होगी? और अगर V प्लस पॉजिटिव होगा तो V प्लस बड़ा है V माइनस से, और V प्लस अगर बड़ा है V माइनस से तो इसका मतलब V नॉट बराबर क्या आना चाहिए? प्लस V सेट। एग्जाम्पल फिर से कुछ ले सकते हो, समझाने के लिए मैंने V नॉट बराबर लिखा A इंटू वी आई डी, और वी आई डी को हम क्या बोल सकते हैं? V प्लस माइनस V माइनस। जरा नोटिस करो ये इंफाइनाइट है, V प्लस का मान समझाने के लिए मैंने कुछ भी मान लिया, मैं मान लेता हूं इस बार बीच में प्लस का 1.5, तो 1.5। अल्टरनेटिंग का ये कॉन्सेप्ट सब जानते हैं स्टूडेंट्स, ये जीरो से प्लस टू तक जा रहा है, वापस जीरो, फिर माइनस टू, फिर वापस जीरो, फिर प्लस टू, फिर जीरो, फिर माइनस टू। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी जानते हैं। तो यहां मैंने वैल्यू प्लस की 1.5 ले ली, माइनस वी माइनस फिर से कितना है? जीरो। अब आप बताओ मुझे 1.5 और जीरो का अंतर धनात्मक है, और अगर ये प्लस है, प्लस इंटू इंफाइनाइट का मतलब इंफाइनाइट, और इंफाइनाइट अगर पॉजिटिव का है तो क्या ऑप एम्प प्लस इंफाइनाइट आंसर दे सकता है? इट कांट बी पॉसिबल। आउटपुट कहां रिस्ट्रिक्ट होगा? प्लस वी सेट। और अगर प्लस वी सेट में जाएगा तो प्लस वी सेट से ज्यादा आउटपुट हम देख नहीं सकते। सो दैट्स वाई 2 पाई से 3 पाई के बीच में भी स्टूडेंट्स आउटपुट कहां रहने वाला है? प्लस वी सेट। नेक्स्ट जरा नोटिस करना, वापस से अगर मैं 3 पाई से 4 पाई के बीच में बात करूं तो इन बिटवीन मुझे स्टूडेंट्स ये फिर से रब करना होगा, स्पेसिंग की प्रॉब्लम है यहां। अगर मैं बात करूं 3 पाई से 4 पाई, 3 पाई से 4 पाई के बीच में तो इन बिटवीन 3 पाई से 4 पाई के बीच में मैं बात कर रहा हूं, 3 पाई से 4 पाई के बीच में कोई भी निगेटिव वैल्यू, 3 पाई से 4 पाई के बीच में वैल्यू बार बार बदल रही है, लेकिन वैल्यू हर बार ऋणात्मक तो होगी ही होगी। और अगर ये ऋणात्मक है स्टूडेंट्स तो इस ऋणात्मक होने का मतलब यहां मैं कोई वैल्यू मान लेता हूं, कुछ एज्यूम कर लेता हूं, मैंने मान लिया कुछ माइनस का 1, और अगर मैंने माइनस का 1 मान लिया तो बताओ वी नॉट बराबर होता है a इंटू वी आई डी, दैट इज v प्लस माइनस v माइनस। अब इतना आपको नोटिस होना चाहिए कि वी आई डी का मतलब क्या है, v प्लस माइनस v माइनस। गेन अनंत है, v प्लस का मान इस बार नॉन इनवर्टिंग धनात्मक पर निगेटिव वोल्टेज है कुछ, और ये जो निगेटिव वोल्टेज है इसका मान मैंने कुछ मान लिया से माइनस 1, माइनस v माइनस का मान कितना है स्टूडेंट्स? 0। बताओ आप माइनस 1 गुणे अनंत का मतलब क्या ये वैल्यू माइनस अनंत है, और माइनस अनंत क्या ऑप एम आउटपुट दे सकता है? नहीं दे सकता। ऑप एम का रिस्ट्रिक्शन है कि कभी भी ये एम्पलीफायर बायसिंग वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकता। तो ये कहां जाकर सैचुरेट हो जाएगा? माइनस का वी सेट। सो आंसर शुड बी माइनस वी सेट। सो दैट्स वाई मैं बोल सकता हूं इस समय यहां पर यह निगेटिव में ग्राफ आएगा। अब जरा नोटिस करो आप, ऐसे ग्राफ आगे कंटिन्यूस चल रहा होगा, हमने कोई दो साइकिल ली है यहां पर। अब आप नोटिस करना, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस ग्राफ में बहुत इजी वे में सोचना स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में जैसे जैसे जो जो पॉइंट्स अपने पास थे, जब भी वी आई डी का डिफरेंस जीरो होगा तो लीनियर रीजन क्या आदर्श ऑप एम्प में प्रेजेंट होता है? अब्सेंट होता है, और अब्सेंट होने का मतलब एक कॉन्स्टेंट लाइन। तो स्टूडेंट्स ये जो रीजन है जहां पर वैल्यू वी आई डी का मतलब वी प्लस और वी माइनस का अंतर जीरो, तो वो रीजन अब्सेंट होता है, तो वहां पर हमें एक लाइन दिखाई देगी। दिस लाइन आप याद करो आदर्श ऑप एम्प में ये लाइन हमको दिख रही थी राइट कैरेक्टरिस्टिक पर। ऐसे ही
फिर पाई से टू पाई के बाद इस टू पाई वाले पॉइंट पर आप पॉइंट्स नोटिस करो, टू पाई वाले पॉइंट पर भी क्या होगा स्टूडेंट्स, एक लाइन दिखाई देगी जिसका जिसका ये जो मेरे पास लाइन है जिसका गेन जो बता रहा था इनफाइनाइट, ये वही लाइन है। ऐसे ही थ्री पाई पर आप देखो, थ्री पाई पर भी क्या होगा स्टूडेंट्स, अगेन सेम। ऐसे ही फोर पाई पर भी स्टूडेंट्स इसके बाद ये वैल्यू क्या हो रही होगी, इस पर भी क्या होगा, आगे बढ़ेगा ये पॉजिटिव पर जाएगा, तो इस समय मेरे पास क्या आएगी, एक कॉन्स्टेंट राइट लाइक दिस। तो इस तरह से ये ग्राफ चलता जाएगा। और ये जो मैंने अब ग्राफ एग्जीक्यूट किया है, क्या ये ग्राफ, बहुत प्रॉपर वे में सुनना, क्या ये ग्राफ जीरो से पाई तक धनात्मक अर्धचक्र दे रहा है, फिर पाई से टू पाई ऋणात्मक, फिर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर एक निगेटिव हाफ साइकिल, और क्या ये एक वर्गाकार आकृति नहीं है स्टूडेंट्स? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत एक फेमस क्वेश्चन है, फैंसी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पूछता है आउटपुट के बारे में। तो याद रखिए आदर्श ऑपेम, ये जो आदर्श ऑपेम है, इस बात को समझें कि आदर्श ऑपेम पर अगर ओपन लूप की बात कर रहे हैं और किसी एक इनपुट का वोल्टेज जीरो कर दिया गया है और एक पर साइनसोडल लगाया, तो आउटपुट हमेशा एक वर्गाकार आकृति मिलेगी। इसे कहते हैं स्क्वायर वेवफॉर्म। कॉमन मिस्टेक होती है स्टूडेंट, जब भी एग्जामिनर पूछता है ऐसा एक क्वेश्चन देता है और यहां प्रेजेंटेशन पर आपसे बोल देता है कि एक साइनसोडल सिग्नल है इनपुट पर, आउटपुट पर क्या मिलेगा। हमारे दिमाग में हमेशा क्वेश्चन ये जाता है कि सर जब इनपुट पर साइनसोडल भेजा है तो आउटपुट पर भी साइनसोडल होगा। ज्यादा से ज्यादा कुछ और दिमाग में गया तो लगता है कुछ रेक्टिफायर जैसा सर्किट तो नहीं है, हाफ वेव फुल वेव ऐसे ऑप्शन बना देता है। आपको याद रखना पड़ेगा ये बहुत स्पेशल केस है, वेरी स्पेशल केस। देखो स्टूडेंट्स, भेजा तो साइनसोडल था इनपुट पर, एक को जीरो किया था, लेकिन आउटपुट पर कैसी वेव फॉर्म मिल रही है, क्या ये एक वर्गाकार आकृति नहीं मिल रही है? और ये जो वर्गाकार आकृति है स्टूडेंट्स, क्या ये वर्गाकार आकृति, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये जो वर्गाकार आकृति आपको मिल रही है स्टूडेंट्स, ये वर्गाकार आकृति एक सिमेट्रिकल, देखिए जीरो से पाई तक जैसा वेवफॉर्म ऊपर है, जितना एरिया ऊपर ऑक्यूपाई हो रहा है उतना ही एरिया निगेटिव पर ऑक्यूपाई हो रहा है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अगर यहां जितना एरिया पॉजिटिव हाफ साइकिल पर ऑक्यूपाई हो रहा है, जितना एरिया पॉजिटिव हाफ साइकिल पर ऑक्यूपाई हो रहा है उतना ही एरिया यहां निगेटिव हाफ साइकिल पर भी ऑक्यूपाई हो रहा है स्टूडेंट्स, उतना सेम एरिया निगेटिव हाफ साइकिल पर भी ऑक्यूपाई हो रहा है। जितना एरिया पॉजिटिव हाफ साइकिल पर ऑक्यूपाई हो रहा है उतना एरिया ही सेम निगेटिव हाफ साइकिल पर ऑक्यूपाई हो रहा है। इसका मतलब है एवरेज वैल्यू जीरो, एवरेज वैल्यू जीरो, जितना पॉजिटिव पर एरिया उतना निगेटिव पर एरिया, जितना पॉजिटिव पर एरिया उतना ही निगेटिव पर एरिया। और आप बोल सकते हैं अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल का एरिया और निगेटिव हाफ साइकिल का एरिया बराबर है तो क्या यह वेवफॉर्म एक सिमेट्रिकल वेवफॉर्म कहलाएगी। इसलिए जब भी आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि इस सर्किट पर, मैं उस ऑब्जेक्टिव को लिख देता हूं ताकि आपके दिमाग में यह क्वेश्चन बना रहे कि इसका आंसर क्या लगाना है, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। हम एग्जाम में इस क्वेश्चन पर कभी भी स्टूडेंट्स ग्राफ नहीं ड्रा करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। लेकिन ग्राफ बनता कैसे है यह दिमाग में बात आनी चाहिए कि सर पहले एक बार इसको ड्रा करके तो देखें फाइनल आउटपुट बन कैसा रहा है। तो इस आउटपुट को पहले बनाना कैसे है यह मैंने आपको बताया। और अब आप अगर इस पर आप देखना चाहें कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ रहा है, तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। एग्जामिनर बोल रहा है एक सिंपल वे में एक आदर्श ऑपम बोलेगा, यहां आउटपुट वी नॉट, यहां स्टूडेंट्स प्लस वी सेट लिखा होगा, यहां लिखा होगा माइनस वी सेट, यहां माइनस यहां प्लस, माइनस प्लस के बाद ऐसा लिखा होगा कि आप एक टर्मिनल पर साइनोसोडल इनपुट लगा रहे हैं और एक टर्मिनल ग्राउंड है राइट। ऑपेम के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी और पूछा कि आउटपुट पर वेवफॉर्म कैसी आएगी अगर इनपुट पर साइनोसोडल है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप दिमाग में यह बात रखना, अगर इनपुट पर साइनोसोडल है तो आउटपुट पर, देखो इनपुट पर आपने साइनोसोडल दिया है किस टर्मिनल पर, वीआई, वीआई का मतलब यहां क्या था, वी प्लस, नॉन इनवर्टिंग पर, तो क्या आउटपुट पर
एक सिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म नहीं मिल गई तो आपका आंसर होगा सिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म. आंसर शुड बी सिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म. इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स दोनों दिमाग में इस बात को रखें. नंबर ऑफ टाइम्स ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है. ये फिगर बहुत कॉमन फिगर है. अगर आप कोई भी पेपर देने जा रहे हैं और ऑपरेशनल एम्पलीफायर से ओपन लूप पर अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम होगा तो ये क्वेश्चन मस्ट है. इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में देखा ही जाता है. वहां पर पूछ लेता है कि अगर इनपुट पर साइनोसोडल है तो इनपुट अगर साइनोसोडल है तो आउटपुट पर बनने वाली वेवफॉर्म क्या होगी. तो स्टूडेंट देखिए, अगर इनपुट साइनोसोडल वेवफॉर्म है तो आउटपुट कैसी वेवफॉर्म मिल रही है, एक वर्गाकार, और वर्गाकार में भी कैसी, सिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म. दूसरी बात, किसी के दिमाग में यह क्वेश्चन आए कि सर अगर मैं एक बार इस प्लस पर ग्राउंड कर दूं और माइनस पर साइनोसोडल दे दूं तो उल्टा हो जाएगा, तब क्या होना है स्टूडेंट्स, जो ग्राफ आपको पॉजिटिव पर दिख रहा है वो आउटपुट पर क्या आएगा, निगेटिव पर. ये जो निगेटिव पर दिख रहा है वो पॉजिटिव पर, तो उल्टा आएगा. लेकिन तब भी क्या आंसर सिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म ही होगा, यस. तो आपके पास दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनपुट पर साइनोसोडल यहां वी प्लस पर देकर या वी माइनस पर देकर. लेकिन शर्त वही है, किसी एक इनपुट टर्मिनल को वो ग्राउंड करेगा तभी हमारे पास सिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म आएगी. क्या मेरी बात क्लियर हो रही है सभी को? तो ये ऑब्जेक्टिव का बहुत फेमस क्वेश्चन है. दूसरी बात, अब मैं यहां थोड़ी सी अगर बात करूं कि ड्यूटी साइकिल क्या दिख रही है अपने को आउटपुट पर, तो स्टूडेंट्स बताओ, अगर मैं आपसे ड्यूटी साइकिल की बात करूं तो आप सभी समझते हो, पहले तो स्टूडेंट्स ये आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए, सिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म आउटपुट पर आएगी. दूसरी बात, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि आपको ड्यूटी साइकिल क्या दिख रही है इसकी, राइट, तो देखो आप सभी जानते हैं ड्यूटी साइकिल का मतलब, मैं यहां लिख देता हूं, ड्यूटी साइकिल का मतलब है स्टूडेंट्स, देखो ड्यूटी साइकिल का मतलब है कितने पीरियड के लिए वेवफॉर्म ऑन हो रही है इन द गिवन टाइम पीरियड. तो स्टूडेंट समझना, वेवफॉर्म का नेचर जहां से रिपीट करता है वही उसकी साइकिल होती है. जरा आप चेक करो, जीरो से पाई और फिर ये नीचे गया, पाई से टू पाई और फिर टू पाई के बाद वापस से ये रिपीट किया, थ्री पाई वापस फोर पाई, फिर इसके बाद रिपीट करेगा. तो इसकी एक कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड ये टी मान सकते हैं. अगर ये कंप्लीट साइकिल का पीरियड टी मान सकते हैं तो देखो ड्यूटी साइकिल का मतलब होता है कितने टाइम पीरियड तक ये ऑन था, टाइम पीरियड ऑफ ऑन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम पीरियड. और परसेंटेज में अगर हम लिखना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अब नोटिस करिए, टी ऑन का मतलब कहां तक ये वेवफॉर्म ऑन है, इस पूरे को अपन क्या बोल सकते हैं, टी ऑन. तो ये अगर टी ऑन है स्टूडेंट्स, तो पूरा हमारे पास ये कितना है साइकिल पर, ये टी ऑन पीरियड था और ये वाला पीरियड टी ऑफ था. और अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, टी ऑन प्लस टी ऑफ, तो ये पूरा टाइम पीरियड आ जाएगा. तो देखो, टी ऑन था जीरो से पाई का मतलब अप टू दिस, तो टी ऑन पाई माइनस जीरो तक था, दैट इज पाई. और अगर मैं बात करूं टोटल टाइम पीरियड की, तो टोटल टाइम पीरियड कितना है साइकिल का, जीरो से पाई, पाई से टू पाई, तो ये टोटल टाइम पीरियड है टी. तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट टू पाई. अदरवाइज समटाइम्स मैं इस टी को क्या लिखता हूं, टी ऑन प्लस टी ऑफ. टी ऑन कितना है पाई, टी ऑफ कितना है पाई, पाई प्लस पाई का मतलब टू पाई, और इनटू 100. तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं पाई अपॉन टू पाई से ये वैल्यू आ गई ड्यूटी साइकिल की 50%. तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि इस आउटपुट को जो देख रहे हैं इसका ड्यूटी साइकिल क्या होगा, तो इसका ड्यूटी साइकिल आप बता सकते हो स्टूडेंट्स, इसका ड्यूटी साइकिल होगा 50%, राइट. तो आज हमने बहुत सिंपल बातें की, एक छोटा सा टॉपिक था, मुझे ऐसा लगता था ग्राफिकल एनालिसिस आपको बताना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहां पर लिया, राइट. तो बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है स्टूडेंट्स, केवल और केवल कंपैरेटर का बेसिक लॉजिक आप लगाएंगे, अपने आप ग्राफ बन जाएगा, और ग्राफ बन जाएगा तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इनपुट पर अगर कभी भी ओपन लूप, ध्यान रखें अभी तक हमने फीडबैक की बातें नहीं की है स्टूडेंट्स, और मेरे लेक्चर्स की खास बात यह रहेगी स्टूडेंट्स, मैं एक एक टॉपिक को अलग अलग बताऊंगा. दूसरी बात, मैं इस पर बिलीव नहीं करता कि मैं सीधे ऑपम की सर आइडियल ऑपम में क्या क्या
प्रॉपर्टीज होती है, साथ की साथ मैं प्रॉपर्टीज लिख दूं, स्टूडेंट्स उसका कोई सेंस नहीं रहेगा आपके लिए। एक एक प्रॉपर्टी को मैं प्रूफ करके चलूंगा और जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे हर प्रॉपर्टी का इलुब्रेशन मैं करता जाऊंगा। अभी तक मैं केवल और केवल ऑप एम्प पर हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर की बात कर रहा हूं और आदर्श के लिए गेन का मान अनंत मैंने प्रूफ किया था, उसकी हेल्प से ही हम सारी बातें अभी तक कर रहे हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स आगे की लेक्चर सीरीज में आप बने रहिए। दूसरा, मैं बार बार आपको कह रहा हूं स्टूडेंट्स, ये जो मैंने ग्राफ बनाए हैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, ग्राफ को जल्दी से आप छोड़ना प्रेफर करते हो, बोले यार क्या फाइनल आंसर आ रहा है, क्या काम की बात है। आप फाइनल आंसर से पहले स्टूडेंट नोटिस करें ग्राफ बन कैसे रहा है, बहुत सिंपल वे में आप बना पाओगे। आप बफरिंग पॉइंट पर उसको रोकें, सर्किट को देखें प्रॉपर और फिर प्रॉपर ओरिएंट करिए, अपने आप बनाने की कोशिश करिए और अगले क्वेश्चंस के साथ और चीजें आपको प्रॉपर क्लियर होती जाएंगी, राइट। लेकिन एक बार कॉपी पर बनाकर जरूर देखें स्टूडेंट्स, अपने आप सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, मैं आज की क्लास एंड करता हूं। ओके, थैंक यू।